मैं माँ की स्तुति से शुरू करना चाहती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। मेरे साथ कहिए जय माता दी, जय माता दी। शक्ति के लिए शक्ति की आराधना करती कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कांग्रेस की सियासत को जनता के दिलों में सिद्ध करने में जुट गई हैं। अपने उपवास से यूपी में कांग्रेस को मिले सियासी वनवास से मुक्ति दिलाने की जद्दोजहद दिखा रही हैं। ये सिद्धि 2022 के लिए चाहिए, जिसमें लोगों के बीच जाकर वो कांग्रेस की बीज बो रही हैं, उन उम्मीद के लिए जिसके तहत कांग्रेस बृहद रूपयाकार में न सही यूपी की सियासत में एक वृक्ष तो बन ही जाए, जिसमे जनता के मतों से निकले फल रूपी परिणाम लटके मिले। यहाँ के मुख्यमंत्री मंच पे बैठे हुए उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं जिसके बेटे ने ऐसा काम किया है। जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे प्रदर्शन को देखने के लिए, वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खेरी नहीं जा सकते थे उन किसानों के हाथ पकड़ने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। ये आजादी किसने दी? जिस आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, अमृत उत्सव मना रहे हैं, ये आजादी हमें किसने दी है? ये आजादी सियासत की दुनिया में कांग्रेस की महारानी प्रियंका गांधी सनातन के सत्य को खुद में समाये मां दुर्गा की शक्ति से बीजेपी की बनाई नैरेटिव को डिकोड कर हिंदुओं के वोट को अपने आकर्षण पाश में बांधने की फिराक में दिख रही है। संकेत सिपह सालारों को मिला तो वो भी हिंदू पथ पर दौड़ने लगे। पहले से ही हिंदू की भक्त बीजेपी और यूपी में सीएम योगी की भक्ति पर सवाल उठा दिया, सीएम योगी को योगी मानने से ऐतराज कर दिया, डरपोक बताकर मजाक उड़ा दिया। ये योगी है ना, बड़ा डरपोक निकला। ये योगी है, बड़ा डरपोक निकला। वो हमारे दलितों से डरते हैं, वो हमारे किसानों से डरते हैं, हमारे नौजवानों से डरते हैं और पुलिस को आगे करते हैं। अरे इतना डरपोक है कि एक महिला प्रियंका गांधी वाड्रा से डर गया, उसे लखीमपुर तक जाने नहीं दिया, 4-4 दिन जेल में बंद करके रखा। प्रियंका गांधी अपनी कांग्रेस की स्वीकार्यता के लिए अनियंत्रित रफ्तार के साथ आगे बढ़ी तो सपा के विचारों से टकरा गई। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कह दिया, कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों में आपसी समझौता है। प्रदेश की जनता समझ रही है कि योगी आदित्यनाथ का विकल्प सपा मुखिया अखिलेश यादव ही है। ऐसे में विपक्ष के वोटों में भ्रम पैदा करने के लिए बीजेपी के पास सोची समझी रणनीति है। सपा समेत कई पार्टियों को वैसे लगता है कि कांग्रेस की बढ़ती सक्रियता का मुख्य कारण प्रियंका कांग्रेस को यूपी में ऐसी स्थिति में लाना चाहती हैं, जहां पार्टी अन्य पार्टियों के साथ सीटों के बंटवारे पर मोल भाव कर सके